नमस्कार दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड पे हेडर और फुटर किस तरह से लगाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो हेडर और फुटर यूज करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उसमें से सबसे पहले हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे हेडर स्टाइल्स आपके सामने रहेंगे। जो स्टाइल आपको पसंद आता है आप उसी स्टाइल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हमें ये स्टाइल पसंद आ रहा है तो हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो स्टाइल आपके पेज में अप्लाई हो जाएगा, जहां से आप कुछ कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं, GHSS एंड यहाँ पे आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम आज का ही डेट सिलेक्ट कर लेते हैं और ये देखिए आपका हेडर बनकर तैयार हो गया है। आप अपने पेज के एस्पेक्ट रेशियो को कम करके इसको क्लियरली देख सकते हैं। हेडर की सबसे खास बात ये है कि जब आप नेक्स्ट पेज लेते हैं तो भी हेडर वहां पे काम करेगा। जैसे कि हमने दूसरा पेज लिया तो आप देख सकते हैं कि दोनों पेज में सेम हेडर वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम फुटर को भी अप्लाई करते हैं। फुटर अप्लाई करने के लिए सेम इंसर्ट में जाइए, हेडर फुटर ग्रुप, यहाँ पे आपको एक फुटर ऑप्शन दिखाई देगा। फुटर ऑप्शन में भी बहुत सारे फुटर स्टाइल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो भी फुटर स्टाइल आपको पसंद आता है आप उस स्टाइल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों पेज में फुटर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को जो चाहे वो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपने क्लास का नेम लिख देते हैं और आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। अब आप देख लीजिए कि दोनों पेज में किस तरह से हेडर और फुटर अप्लाई हो चुका है। धन्यवाद।